टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम जननायक टंट्या भील बलिदान दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट भी नेहरू स्टेडियम पहुंचे। यहां पर मंत्री ने अधिकारियों के साथ पूरे स्टेडियम परिसर का दौरा किया। नेहरू स्टेडियम परिसर में कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही यहां पर नगर निगम के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। स्टेडियम परिसर में भी मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। नेहरू स्टेडियम में बारिश से हुए कीचड़ को खत्म करने को लेकर आने वाले मेहमानों को बैठाने तक की व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। खुद प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा योजनाओं का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से भी पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी ली। स्टेडियम परिसर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। गौरव कलश यात्रा के साथ ही आने वाले मेहमानों के रुकने का भी इंतजाम किया जा रहा है। नेहरू स्टेडियम पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। पुराने समय में एक कहावत हुआ करती थी ना कि बादल और बादशाह का क्या भरोसा कब बरसे। उसमें से अकेले बादल के मौसम के कारण से, बादल के कारण से, बारिश के कारण से वहाँ पर जो दो दिन में बूंदाबांदी हुई उससे पार्किंग का स्थान ज़्यादा खराब हुआ और इसलिए मंची का मूल कार्यक्रम मंची का यहाँ पर स्टेडियम में रखा है। 1 लाख लोग लगभग हमारे इसकी कैपेसिटी में ऊपर नीचे सीढ़ियों पे मिला के व्यवस्था की गई है। पार्किंग भी इस तरह की है कि किसी को भी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना। प्रार्थना इंदौर की जनता से ज़रूर है, थोड़ी असुविधा सुबह के वक्त उन्हें जो मार्ग हम डाइवर्ट कर रहे हैं वो अखबार में आएंगे। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी आदरणीय मंत्री तुलसी भैया जी भी निवेदन करेंगे कि सुबह के वक्त की थोड़ी आधा दिन का मान लो पार्क ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा थोड़े से भाग का, उसमें मदद करें। कार्यक्रम बहुत भव्य है। सर कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होंगे सर, और ये टंडा मामलपुरी जो भव्यता है स्वरूप है क्या क्या रहेगा सर कार्यक्रम में? पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आकर सीधे महू में उस स्थान पर जाना पानी में ही उतरेंगे। वहाँ पर जो मंदिर जाएंगे अनावरण होगा, उसके बाद यहाँ पास के स्टेडियम में आके मंच पर आ जाएंगे। सर आयोजन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से कह रही है कि आदिवासियों की याद आ रही, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अभी तो कोई चुनाव है नहीं तो वोट कहाँ से आ गए। हाँ, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस जरूर करती है मंत्री जी, पर वो इसको अभी तक जनजाति भाइयों को वोट बैंक की मांग कर रहे। हमारा तो शहीदों की स्मृति के लिए पर्व चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। पहले जबलपुर में हुआ, फिर भोपाल में हुआ, अब इंदौर में। मंत्री जी, कांग्रेस की कहीं भी मित्र अकेला राधोगढ़ कह के उन्हें क्यों व्यापक कर रहे हो आप? सारे चुनाव परिणाम लगातार आ रहे हैं। पिछले महीने 4 निपटे हैं, उसके पहले 28 निपटे थे। आपने 28 में हसर देखा और 4 में भी देखा। ये जब चुनाव होते हैं तो इनके वक्ता चुनाव में जिस दिन मतदान होता है उस दिन तक कहते हैं कांग्रेस जीत रही है, और मतदान के बाद कहना शुरू करते हैं कि इन्होंने प्रशासन की मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे का किया है, दारू का किया है। इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी की पूरी, कांग्रेस की स्क्रिप्ट। हाँ, ममता जी कह रही यूपीए नाम की कोई चीज़ नहीं बची। उधर गुलाम नबी कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं, उन्होंने कहा 100 भी नहीं आएंगी। और ममता जी ने बिल्कुल सही कहा है, अब न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ है, अब इसके साथ में कोई नहीं है। और कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि आत्मा ही बची है, आत्मा प्रेतात्मा बनेगी बहुत जल्दी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।